श्रीमान नरेंद्र भाई से उनके माननीय सांसद जी के पास, केंद्रीय मंत्री जी के पास समय कम है आगे प्रोग्राम से, और सभी कार्यकर्ताओं ने बोल दिया है तो मैं सीधे तौर से कहना चाहता हूँ अपने विधायक नरेंद्र मंत्री गुप्ता जी के फिर से आए वहीं पर और जनता को संबोधित करें। श्रीमान नरेंद्र गुप्ता जी विधायक चौधरी कृष्णलाल गुर्जर जी आ चुके हैं। उद्घाटन के अवसर पर मेरे साथ उपस्थित फैजाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे यहाँ के सभी पार्टी के पार्षद, सबका नाम लूंगा, नरेश संप्रदाय जी, सुभाष आहूजा जी, अपने विनोद भाटी जी और मंडल के अध्यक्ष छतरपाल जी, मंडल के अध्यक्ष साहनी जी, अपनी किरण सोरोन जी और सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, इरीगेशन से आए हुए एससी साहब, एक्सएन साहब और सभी आए हुए यहाँ पर आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, मुझे आने में देरी हुई उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। उद्घाटन था अभी 11 बजे की मीटिंग, क्योंकि आज पूरे देश में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सबसे पहले आप सबको महर्षि वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मित्रों। में लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए फरीदाबाद का विकास सब आपको दिख रहा है। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया, क्योंकि जो आलोचना करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो किसी की आलोचना नहीं, इसलिए आलोचना का समय नहीं है। आपने पल्ला से लेकर चनावली तक पहले भी कितने पुल थे वो भी देखे, और पिछले 7 साल में कितने पुल बने हैं मुझे गिनाने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हैं। जहां घंटों घंटों जाम रहता था, आज जाम नाम की चीज नहीं मिली। इस सड़क के बारे में, फोर लेन के बारे में नरेंद्र जी ने बता दिया, लेकिन फोर लेन से आगे मंझावली पुल तक जो 7 मीटर की सड़क है उसको 10 मीटर करके चौड़ा बनवाया जा रहा है, जो मंझावली के पुल तक 10 मीटर की सड़क बनी। यही नहीं, अभी आपने कभी छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। आप कालंदी कुंड से आते हो तो ये पूरा रोड फोर लेन का है, लेकिन फरीदाबाद के इस पुल से लेके, खेड़ी पुल से लेके पल्ला के पुल तक 4 वहां से नहरें निकली हैं छोटी छोटी, वहां पर उन पुलियों की चौड़ाई 6 फुट 8 फुट रह गई है 4 डिग्री से। रात में एक्सीडेंट होते हैं, लोग मोटरसाइकिल गाड़ी से आते हैं, कई बार उस नाले में गिर जाते हैं, क्योंकि पुलिया की चौड़ाई जो बहुत 50-60 फुट होने की थी वो 8-10 फुट रह गई। सड़क 4 लेन की हो गई, 4 लेन की हो गई, तो उसके लिए भी मैंने चारों पुलियों के लिए 4 लेन की बड़े पुल बन जाए 17 करोड़ रुपया मंजूर करा दिया है, वो यूपी गवर्नमेंट को देंगे, चारों के चारों भी 4 लेन हो जाएगा, कहीं छोटी आपको पुलिया नहीं मिलेगी, वो भी करा दिया। हाईवे आप देख रहे हैं, वो हाईवे देखा, एक नया हाईवे शुरू हो गया। आप मिडकोला बॉम्बे हाईवे पे जाए या दिल्ली जाना चाहे तो 15 मिनट में आप दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा एक और हाईवे आप लोगों के लिए, यहां से केजीपी जाना पड़ता है गांवों के बीच से होके, ताजवाला एक्सप्रेस वे उसके लिए आपको करंदी कुंज होके जाना पड़ता है। गुड़गांव एयरपोर्ट जाते हो तो आपको 1.5 घंटा लगता है, लेकिन हमने इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपने पढ़ लिया होगा, नोटिफिकेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गया। इस हाईवे के साथ साथ ये 7 किलोमीटर का है, और इसी हाईवे से केजीपी, ताज एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के लिए एक नया 2000 करोड़ का नया हाईवे मंजूर करा दिया है, वो भी 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। 1/2 घंटे में आप जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और आपको केजीपी पे जाना हो तो वहां इंटरचेंज बनेगा, ताज एक्सप्रेसवे पर जाना हो आगरा वाले पर तो वहां इंटरचेंज बनेगा, वहां उतर भी सकते हैं, वहां से चढ़ भी सकते हैं, ये सारा इंतजाम करा दिया। फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए 30 किलोमीटर की मेट्रो पास हो गई है, डीपीआर बन गई है, उसका काम भी जल्द शुरू होने वाला है। कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइन डलने के बाद गलियों का काम कई जगह रह रहा है, आप निश्चिंत रहना, वो जब हम कॉलोनियों में सीवर और पानी की लाइन डलवा सकते हैं तो क्या सड़कें भी बनवा सकते हैं? कभी नहीं डली, तो वहां की हर गली की सड़कें भी बनेंगी, सीवर और पानी की लाइन से वो खुल गई थी, हर कदम
बसंतपुर से लेकर मल्लागढ़ तक जितनी भी कॉलोनियां हैं, ताली से लेकर नहरपार तक जितनी भी कॉलोनियां हैं, सब में काम चल रहा है। सीवर और पानी की लाइन चल चुकी है, कुछ गलियां बन गई है, कुछ रह गई है, वो भी तैयार हो जाएगी। मतलब फरीदाबाद के विकास में कॉलेज हो, पार्क हो, टाउन पार्क हो, स्टेडियम हो, आपके आसपास बन रहे हैं सब। आप बढ़कर से मुफ्ती सेक्टर वाला रोड देखो, आप ओल्ड फरीदाबाद से ये वाला रोड देखो, अंदर के रोड 5-7 खराब है। अगले 2 महीने में जो भी बड़े रोड टूटे हुए हैं, आपको 2 महीने में फरीदाबाद के सारे रोड चमचमाते हुए मिलेंगे। मैं कहके जा रहा हूं, कोई रोड आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसीलिए हमको बनाया है। पहली बार देश में आपने एक ईमानदार प्रधानमंत्री दिया है, प्रदेश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिया है, जिनके लिए देश के लोग ही सब कुछ हैं, जिनके लिए देश, वो कहते हैं हम जो कुछ करते हैं देश के लिए करते हैं, देश के लोगों के लिए करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से बना है। कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कल कश्मीर में 370 किसी कोई खत्म कर सकता था? ये आपकी ताकत है, ये ताकत आपने मोदी जी को दी तो 370 समाप्त कर दी। आज हम जो कुछ भी सब आपके कारण से हैं, पार्षद से लेके एमपी तक का सफर आपके आशीर्वाद से प्राप्त पूरा किया है, और आपने इतना आशीर्वाद मुझ पर मेरी पार्टी पर रखा है कि पार्षद से लेके यहां तक पहुंचाने में अगर सब इससे सबके लिए कोई एकमात्र अगर वो बधाई का पात्र है तो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं इनके कारण, और ये कोई हमारा एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है, ये आपका कर्ज है हमारे ऊपर जो हमको उतारना है और विकास के माध्यम से उतारेंगे, और कोई नहीं। वो कह दिया ना, बन रहा है, उसको खुद बता दिया। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आपको इस बात के कहते हुए कि एक बार पुनः आप सबको मेरी तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से इस वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज फरीदाबाद के जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उनके क्षेत्र में ये खेड़ी पुल बहुत दिन से जर्जर हालत में था, घंटों घंटों का जाम लगता था। 21 करोड़ की लागत से इसको 6 लेन बनाया गया है, जो बनकर तैयार हो गया, आज विधिवत उसका उद्घाटन हुआ है। और एक नहीं, पल्ला से लेकर चंदावली तक दर्जनों पुल इस तरह 4 लेन के बनाए गए हैं। जहाँ पहले अंग्रेजों के बनाए हुए पुल थे, कभी नया पुल बनाने की सोची नहीं गई। और यही नहीं, इस फरीदाबाद के जो भारत कॉलोनी से लेके जो खेड़ी रोड जाता है, जसाना रोड और नचौली रोड है, इसको भी खेड़ी मोड़ तक 4 लेन बनाने के लिए 7 करोड़ का बजट हमारे विधायक जी ने मंजूर कराया है, उसका काम भी आज शुरू किया है। और उससे आगे मंझावली पुल तक 7 मीटर था, उसको 10 मीटर करा दिया गया है ये काम। और पल्ला से लेके खेड़ी पुल तक बीच में 4 कलवर्ट थी 4 लेन के रोड पे, बीच बीच में जो पुलिया थी वो 6-6 फुट टूट कर रह गई थी, उनके लिए भी 17 करोड़ का पैसा मंजूर करा दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट को, इरिगेशन डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने में उन 4 पुलियाओं का काम भी 17 करोड़ की लागत से शुरू हो जाएगा।